अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही हाई डिमांडिंग टॉपिक है। आए दिन इस टॉपिक के मुतालिक मुझे रिक्वेस्ट आती हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा फेसबुक का इनबॉक्स फुल है, मेरी जो ईमेल आईडी है वो फुल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो लाजमी बनाई जाए। वीडियो डिले हो गई ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल, लेकिन अक्सर औरतों का ये सवाल है कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है जबकि कोई ऐसा रीज़न नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रहा डॉक्टर ने क्यों दी है, और वो फिर पूछते भी नहीं है डॉक्टर से, जबकि असूली तौर पे जब भी डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन दे रहा है तो ये आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये क्यों दी जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये क्यों दी जाती है, इसका फंक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ी शर्त है कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करूँगी इसे शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जा सके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो वो मेडिसन जो मैं कॉमन नाम लूँगी, जो कॉमनली इन नामों से हमारे मुल्क में अवेलेबल है, लोप्रिन या एस्कार्ड, दोनों का सेम फंक्शन होता है इसलिए दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये इन दोनों नामों के साथ कॉमनली हमारे मुल्क में आती है और हम लोग इसे यूज़ करते हैं, जबकि इसे बेबी एस्प्रिन भी कहा जाता है, एस्प्रिन के नेम के साथ भी आती है, लेकिन वो सब इसके केमिकल नेम हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका यूज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। ये मेडिसन एंटी प्लेटलेट मेडिसन कहलाती है। एंटी प्लेटलेट से मुराद ये होती है कि जो खून के लोथड़े बन रहे होते हैं बॉडी में उसे बनने से रोकती है। तो ये सिर्फ हमल के दौरान ही नहीं यूज़ की जाती, ये हार्ट के पेशेंट्स हैं जिन्हें हार्ट अटैक हो चुका है, जिन्हें स्ट्रोक आ चुका है दिमाग में, या फालिज का मसला हो चुका है, ठीक है, उन्हें दी जाती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऐसे मसले हैं जिसमें खून के लोथड़े बन जाते हैं, तो उसमें भी दी जाती है ताकि खून पतला रह सके, बेसिकली ब्लड थिनर के तौर पे भी यूज़ होती है। तो एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि आप लोगों को समझाना मुश्किल है इसलिए मैंने बहुत ईजिली आपको बता दिया कि ब्लड थिनर है, क्लॉट्स बनने से रोकती है, और सिर्फ हमल में ही नहीं बहुत सी बीमारियों में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो डोज़ हम लोग, मैं प्रेगनेंसी के हवाले से बात करूँगी, जैसा कि मैंने बताया कि इसके यूज़ तो बहुत सी बीमारियों में, लेकिन क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं जो हूँ प्रेगनेंसी से ही मुतालिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलें अब हम लोग बात करते हैं कि हमल के दौरान ये दवाई क्यों दी जाती है। हमल के दौरान इसे देने का मकसद ये होता है कि जो आपका प्लासेंटा है, जो बच्चे की अव्वल नार है, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो। जब ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ रुकती नहीं है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब बात होती क्या ये सबको देनी चाहिए, नो, सबको इसकी नीड हरगिज़ नहीं है। तो मैं आपको अब वो कैटेगराइजेशन कोशिश करूँगी स्क्रीन पे भी शो हो जाए, लेकिन वो बताऊँगी कि किनको नीड है और किनको नहीं है। हम लोग इस चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें हमें देनी ही देनी है, और कुछ होते हैं छोटे मोटे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो 2 से 3 हो जाएँ तो फिर हम पेशेंट को देते हैं। अब जो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि जो औरत है वो बीपी की मरीज़ है, या उसकी पहली हिस्ट्री पहले हमल में ब्लड प्रेशर रह चुका है, या झटके पड़ चुके हैं, ठीक है, या फिर वो डायबिटिक है, या पहले डायबिटीज़ हो चुकी है, या फिर उसे कोई किडनी का मसला है, कोई गुर्दों की बीमारी है, उसमें देना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसे कोई खून की बीमारी है कि खून में क्लॉट्स फॉर्मेशन हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे SLE है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस है, इस तरह के और भी डिजीज़ होते हैं जो ऑटो इम्यून होते हैं, जिसमें उन औरतों के मल्टीपल मिसकैरेजेज़ होते हैं, जिसके लिए भी हम टेस्ट करवाते हैं, एंटी कार्डियोलिपिन और एपला प्रोफाइल नामी, और ये ल्यूपस के जो टेस्ट होते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको बीमारी है, आपका जो बच्चा है ब्लड थिनर्स की सपोर्ट के बिना एंड तक नहीं जा सकता है। तो उन्हें इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, क्लेक्सन इंजेक्शन के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, और ये दवाई भी दी जाती है। तो ये जो सब मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, अगर आपको इनमें से एक भी रिस्क फैक्टर है तो आपको ये दवाई लेनी ही लेनी है। और हाँ, मैं भूल गई कि अगर किसी का प्रीवियस कोई ग्रोथ बच्चे की कम हुई हो, जैसे ग्रोथ रुक जाती है अचानक, अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेज हुए हों, ज़्यादा मिसकैरेजेज हुए हों, या फिर किसी भी टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ रुक जाए बच्चे की, चाहे वो 8वां महीना हो या 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो, तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स की। मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मतलब 2 से 3 अगर हों तो हम देते हैं, जैसे कि अगर मरीज़ है
जो औरत है उसका जो एज है वो 35 साल से या उससे ज़्यादा है, ठीक है। कुछ किताबों में 40 साल भी लिखा है, लेकिन अमूमन हम 35 साल से ऊपर एज की जो हामला होती है उनमें दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एज को लेके हम मेडिसिन दे देंगे, नहीं। मैंने बताया कि मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, इसमें 2 से 3 अगर रिस्क फैक्टर हमें मिलते हैं तो तब हम ये मेडिसिन देते हैं, ठीक है। जैसे साथ में फ़र्ज़ करें कि उसकी एज भी ज़्यादा है, ठीक है, 35 से अबव है, और उसका वेट भी ज़्यादा है, तो ये 2 फैक्टर्स हो गए, तो फिर इस पेशेंट को हम देंगे, ठीक है। इसी तरह जो है और रिस्क फैक्टर्स होते हैं मॉडरेट के अंदर, हाँ, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं किसी के, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। पिछली प्रेगनेंसी को 10 साल का मतलब वक्फा रहा है लास्ट प्रेगनेंसी से, और अब वो 10 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है, ये भी एक मॉडरेट रिस्क फैक्टर है। तो फिर प्री क्लेम्शिया जिन्हें हुआ है उन्हें तो पता होगा, ये हाई बीपी को हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर यूरिन में चर्बी आने लग जाती है, प्रोटीन आने लग जाते हैं। तो ये हैं मॉडरेट रिस्क फैक्टर, जो जब 2 से 3 हमें किसी पेशेंट में दिखते हैं कि रिस्क फैक्टर हैं, जैसे फ़र्ज़ करें एज भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है पेशेंट का, और उसके ट्विंस भी हैं, तो ये 3 रिस्क फैक्टर हो गए। अब तो इसमें हमने देनी ही देनी है ये दवाई, ठीक है। इस तरह हम लोग इस चीज़ को काउंट करते हैं, हमने पूरा क्राइटेरिया अपना बनाया हुआ होता है। तो इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको दे रही हैं, आप उनसे पूछ लें, एंड शी कैन टेल यू कि आपको क्यों ज़रूरत है इसकी, तो आपके दिमाग में वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। वैसे तो मेरी वीडियो के बाद अब पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको खुद इतनी नॉलेज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि किनको नहीं देनी है, कौन से पेशेंट है जिसमें हरगिज़ नहीं देनी है। वो पेशेंट जिन्हें ब्लड का कोई डिसऑर्डर है, जिनका ब्लड रुकता नहीं है, या थैलेसीमिया तरह के जो मरीज़ होते हैं, या हीमोफीलिया, उनमें ब्लड का मसला होता है, उसमें हम लोग ये बहुत सोच समझ के देखी जाती है, देते नहीं है, अवॉइड की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्लड जो है थिन होता है, पतला होता है, तो ऊपर से ये दवाई भी दे दें या इंजेक्शन भी दे दें तो वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा अल्सर के मरीज़, क्योंकि अगर स्टमक अल्सर हो तो ये उसे थोड़ा बढ़ा सकती है दवाई, ठीक है। इसके अलावा हो गए, हाँ, जो कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं वो पेशेंट, उन्हें हम लोग नहीं देते हैं। या फिर जिन्हें जोड़ों का मसला है उनमें भी अवॉइड करते हैं। तो इसलिए अगर आपकी डॉक्टर बिना हिस्ट्री लिए आपको धड़ाधड़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही है, इट इज़ नॉट अ राइट वे। आपकी डॉक्टर पहले, हमेशा जो अच्छा डॉक्टर होगा आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, हर चीज़ की मालूमात लेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन मुझसे जो है ना कमेंट्स में दवाइयाँ ना पूछा करें। मुझे जब तक आपकी हिस्ट्री नहीं पता होगी तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ। आप लोग मेरी ओपीडी में आ सकते हैं, मैं डिटेल्स शेयर कर दूँगी कि मैं ओपीडी कहाँ करती हूँ, और मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली, ठीक है, वो पेड कंसल्टेशन होती है। तो इस तरह कमेंट्स में पूछना अच्छा नहीं लगता है, जब तक हिस्ट्री नहीं पता है तो आप, मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, देखें हम लोग जो हमल के दौरान ये दवाई देते हैं ना, वो बहुत लो डोज की होती है। हमारे मुल्क में तो आती शायद 75 मिलीग्राम की ही है, बाहर 81 मिलीग्राम तक की होती है, लेकिन दीज आर वेरी लो डोजेज, ठीक है। जब हम लोग इसे बहुत हाई डोज की देते हैं तो इसके फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो कोई हाई डोज का ले लेते हैं तो बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी के चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक ऐसा केस देखा कि किसी की डॉक्टर ने उन्हें क्लेक्सन इंजेक्शन और ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्लेक्सन इंजेक्शन, क्योंकि महंगे आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि बस आप यही दवाई को डबल डोज ले लें, या पता नहीं ट्रिपल डोज ले लें, और उन्होंने कुछ ऐसा किया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो पहले 3 महीने में हाई डोज ले लेते हैं एस्कार्ड या लोप्रिन की, तो उससे बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, रिसर्च इस बात पर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में ले लेते हैं तो बच्चे में हार्ट इशूज आ सकते हैं, और उसके अलावा बच्चे का जो पानी है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बातें मंदर वो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर सकता है, ब्रीथिंग इशू हो सकते हैं, फ़ीवर हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ़ीवर हो रहा है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये सीरियस मैटर होता है, ताकि उसे देखें कि इस दवाई से फ़ीवर क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं 2 बातें बताना भूल गई थी कि अगर किसी की प्री मैच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री है, मतलब 36 हफ्ते से पहले बच्चा अगर डिलीवर हो जाता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, मॉडरेट रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं। और फिर एक और, कुछ दिनों पहले मुझसे किसी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी, या पता नहीं पानी कम हो गया था। तो देखें, जब लाइकर कम होता है ना, उसके अंदर भी हम क्लेक्सन इंजेक्शन और इनका रोल जस्टिफाई करते हैं,
ये ड्रिप्स लगाना और ये जो है इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता है इन चीज़ों के ऊपर। या आप कुछ औरतें समझती हैं मैं मुंह से ज़्यादा पानी पीऊँगी, या लाइकर ज़्यादा हो तो कहती है मैं पानी नहीं पीऊँगी, तो इन सब चीज़ों में देखें मत पड़ा करें। हमेशा जो है अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जिसे सारी जो है ना रीसेंट चीज़ों की नॉलेज हो, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है ना ये पुरानी चीज़ें आउटडेटेड होती रहती हैं। हमें अपने आप को अपडेट रखना होता है, तो अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ताकि जो है अपडेटेड नॉलेज के साथ उसे हम लोग डील कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब कोई मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि मुझे डॉक्टर ने क्यों दिए। आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बाकी आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं कौन सी सिटी से हूँ, मैं कराची में होती हूँ और मैं फ़िलहाल जो है OPD सिर्फ अपनी सैटरडे को करती हूँ। कराची सेंट्रल हॉस्पिटल में एड्रेस आपके पास लिखा आ रहा होगा, और अभी रमज़ानुल मुबारक है तो इसकी मुनासबत से हम लोग जो है गायनी का फ्री मुआयना मैं रख रही हूँ। 27 मार्च ये आपके पास पिक्चर भी शो हो जाएगी और उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। दोपहर 1 से 3 का टाइम है, तो जिसे फ्री में दिखाना हो, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, वो इस दिन आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एड्रेस दे दिया हॉस्पिटल का, ठीक है। और जो लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं दूसरी सिटीज़ से हैं, वो मेरा नंबर शो हो रहा होगा, इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ीस की पेमेंट के बाद आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। काफ़ी जो पेशेंट्स हैं वो बस डायरेक्ट कॉल्स और मैसेजेस करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करें, पहले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फ़ीस पेमेंट के बाद मैं आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दूँगी, जो टाइम हो मुझसे उस टाइम पर आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।